कोरोना मरीजों का आंकड़ा प्रदेश में एक बार फिर बढ़ा है। प्रदेश में कोरोना आंकड़ा जो है वो 3,537 पहुंच गया है। उत्तराखंड में 120 नए मरीज सामने आए हैं, तो वहीं देहरादून में 35 नए मामले जो हैं कोरोना के वो मिले हैं, तो वहीं उधम सिंह नगर में 40, तो टिहरी में 2 नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ बागेश्वर में भी 2 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। इसी के साथ चंपावत में भी 6 मरीजों की पुष्टि हुई है। हरिद्वार में 17 और नैनीताल में 13 नए मरीजों की पुष्टि की गई है। उत्तराखंड में कोरोना के इस वक्त 674 एक्टिव केस है। इसी के साथ 2,786 लोग स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, वो अपने घरों को जा चुके हैं। वहीं आपको बताएं कि कोरोना से मरने वालों का जो आंकड़ा है वह इस वक्त 47 पर है। आपको बताएं लगातार प्रदेश में कोरोना का कहर जो है वो जारी है। लगातार कोरोना के आंकड़े प्रदेश में बढ़ रहे हैं। तो इस वक्त आपको बताएं कोरोना मरीजों का जो आंकड़ा है वो 3,537 पर पहुंच चुका है। लगातार प्रदेश के हर जिले से कोरोना जो है वो अपने पैर पसारते चले जा रहा है। आपको बताएं कि 2,786 लोग जो हैं वो स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी किए जा चुके हैं। इसी के साथ कोरोना से मरने वाले का जो आंकड़ा है वो 47 पर है। तो आपको बताएं कि देहरादून में 35 नए मामले जो हैं वो सामने आए हैं। इसी के साथ उधम सिंह नगर में 40 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक उधम सिंह नगर से 40 नए मामलों की पुष्टि की गई है। इसी के साथ हरिद्वार में भी 17 नए मामले आए हैं। नैनीताल से भी 13 नए मामले आए हैं। बागेश्वर से 2, चंपावत से 6। तो ये हमारे सहयोगी सौरभ भाटिया हमारे साथ जुड़े हैं इस खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ। सौरभ, आपसे जानना चाहेंगे, प्रदेश में लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ तो रहे हैं, पर बीच में ऐसा लग रहा था कि सरकार ने और स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना पर लगाम लगा दी है, लेकिन अब अचानक से फिर 120 नए मामले प्रदेश में। बिल्कुल, देखिए लगातार जो कोरोना पॉजिटिव मामले हैं उनमें इजाफा हो रहा है। पिछले दिनों अगर देखा जाए तो एक दूल्हे में जो है जब कोरोना की पुष्टि हुई थी तो तमाम जो है बारातियों के भी सैंपल लिए गए थे, तो दुल्हन सहित जो है एक दर्जन से ज्यादा देहरादून में ऐसे मामले थे जो कम्युनिटी के तौर पर जो है जिनमें ये कोरोना का जो प्रकोप था वो दिखाई दिया। इसके साथ ही राज्य भर में कल 120 मामले जो है कोरोना पॉजिटिव दिखाई दिए। सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि कोरोना पर जो है लगाम लगाई जा रही है, क्योंकि तमाम जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है और कोरोना को लेकर जो है लोगों को जागरूक करने के साथ ही उनके सैंपलिंग भी की जा रही है। अब ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग हो इसके लिए जो है रैपिड किट भी जो है मंगाई जा रही है, जिससे जो है ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग हो सके और लोगों तक जानकारी भी पहुंच सके कि आखिरकार उनमें कहीं संक्रमण तो नहीं है, क्योंकि तमाम लोग ऐसे हैं जो दिल्ली और जो अन्य जो जनपद है वहां से आ रहे हैं और लोगों में इस चीज को लेकर जो है जागरूकता भी फैले, जिससे जो है कोरोना का जो संक्रमण है वो ज्यादा लोगों तक ना फैल सके। एक दूसरे के संपर्क में आने वाले लोगों को पहले से ही सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से जागरूक किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि कम से कम जो है बाहर जाएं, जिन लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत ना हो वो घरों से ना निकले, इस तरीके की भी जो है निर्देश है। तो कहीं ना कहीं लोग भी अब जो इसको लेकर मुस्तैद और जागरूक भी दिखाई दे रहे हैं। जी सर, वहीं सरकार कौन से वो एहतियाती कदम उठा रही है कोरोना की रोकथाम के लिए? वहीं आपने बात कही लोगों को मोटिवेट करने की, लोगों को जागरूक करने की, तो जागरूक करने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, किस प्रकार से लोगों तक ये संदेश पहुंचा रही है कि कोरोना से आपको किस तरीके से बचना है? देखिए सरकारी विभागों में जिस तरीके से एक जो है पोस्टर और जो बैनर जो लगाए जा रहे हैं जो सड़कों से गुजरने वाले लोग हैं उसमें तमाम जो है वो जानकारियां दी गई हैं, जिससे जो है ये कहा जा सके कि सरकार की तरफ से, विभाग की तरफ से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा जो है अधिकारी यही बात कर रहे हैं कि लोगों को कम से कम घरों से निकलना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरत ना हो तो ट्रैवलिंग ना करें, क्योंकि जो बाहर से आने वाले लोग हैं वो संपर्क में आ रहे हैं और जब जो बाहर से आने वाले लोगों के संपर्क में आने से कोरोना ज्यादा फैल रहा है और बढ़ भी रहा है इसकी संख्या। कल देहरादून और पूरे राज्य की अगर बात की जाए तो 120 नए मामले सामने आए, जिससे विभाग की जो एक बार हालत फिर से खराब होती दिखाई दे रही है, क्योंकि अचानक 120 मामले कोरोना पॉजिटिव आ जाना खुद में जो है बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार जब जो है क्वारंटीन सेंटरों में तमाम लोग थे उनके सैंपलिंग जो है बड़ी विलंब से हुई थी और अब जो है जब सरकार की तरफ से निर्देश जारी हो रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा सैंपलिंग की जा रही है और जो क्वारंटीन सेंटरों में लोग हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा जो है उनके सैंपलिंग हो रही है इस समय पर। इसके साथ ही जो होम क्वारंटीन लोग हैं उनको भी एक सख्त हिदायत दी गई है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले। जो लोग होम क्वारंटीन है, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो होम क्वारंटीन किया गया है वो बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि जो होम क्वारंटीन के लोग हैं उनमें भी कहीं ना कहीं कोरोना की पुष्टि। जी सौरभ, लगातार प्रदेश में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं और
अगर ताजा आंकड़ों की बात करें तो 120 नए मामले जो हैं वो सामने आए हैं, इसी के साथ 674 जो है वो एक्टिव केस है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए।